छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एनएमडीसी मिनरल कंपनी को कलेक्टर द्वारा 1600 करोड़ रुपए का जुर्माना देने को लेकर कहा कि अमित शाह जी आए थे, उसके बाद दंतेवाड़ा कलेक्टर के द्वारा नोटिस दिया जाना है एनडीएमसी को, तो इनमें क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगा कि क्रोनोलॉजी क्या है। इसके आगे उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बदलाव को लेकर कहा कि संगठन में काफी लंबे समय के बाद बदलाव हुआ है। चंदन यादव बहुत लंबे समय तक यहाँ के प्रभारी थे, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को भी दूसरे प्रदेशों में प्रभारी दी गई है, साथ ही हमें नए प्रभारी सचिव मिले हैं। महतारी वंदन योजना की 7वीं किस्त को भाजपा के द्वारा तीजापुरा का उपहार बताया जा रहा है, जिस पर बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि वह तो कार्यक्रम है, वह उपहार कहाँ हुआ? अगले महीने जो किस्त देंगे उसे किसका उपहार बताएंगे? रायपुर से भुलेश मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, अभी अमित शाह जी आए थे और उसके बाद कलेक्टर दंतेवाड़ा द्वारा नोटिस दिया जाना एनएमडीसी को, तो क्रोनोलॉजी आपको समझना पड़ेगा। ये क्रोनोलॉजी क्या है? ये एनएमडीसी खत्म करना चाहते हैं। अभी चूंकि संगठन में बहुत दिन से हो गया था, चंदन यादव जी लंबे समय से थे यहाँ और उनका जी भी लंबे समय से, इनको दूसरे बड़े प्रदेशों में इनको जिम्मेदारी दी गई है। चंदन यादव जी गए मध्य प्रदेश गए हैं और उनका जी झारखंड, हालांकि हमारे ही बराबर का प्रदेश है, और साथ ही हमें नए प्रभारी सचिव भी मिले हैं, तो संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर फेरबदल हुआ है। अनेक प्रदेशों में प्रभारी सचिव बदले गए हैं, सचिव नियुक्तियाँ हुई है, तो इससे नयापन आएगा और नए ऊर्जा के साथ सब लोग काम करेंगे। वो तो उसका कार्यक्रम है, उपहार कहाँ हुआ? अगले महीने देंगे किसका उपहार बताएंगे? हर महीने देना है उनको, तो उपहार कैसे हुआ? उसके अतिरिक्त कुछ दे रहे हैं क्या? महतारी वंदन के अतिरिक्त यदि कोई दे, वो उपहार कहलाएगा।